السلام والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين। सबसे पहले तमाम रिसाला वज़ाइफ के नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज इतवार के दिन रबे काबा के ये तीन नाम हर वो बंदा पढ़ ले, अगर आप में से कोई बंदा दौलत संभाल सकता है, रिस्क और दौलत की कदर कर सकता है, ख़जानों का मालिक बनना चाहता है, तो इतवार के दिन या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु का ये ख़ास वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। इसी वक्त अल्लाह का एक ख़ास बंदा आएगा, 50 लाख भी मांगोगे तो देकर चला जाएगा। आज दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर इतवार के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा कर लेना, पूरी ज़िंदगी दुआएं दोगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने वसीफ़ा बताया था। तो आइए इस वजीफ़े की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतवार के दिन ये वसीफ़ा आप किसी भी वक़्त कर सकते हैं, पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। अल्लाह के ये नाम पढ़ते ही आपने आसमान की तरफ मुंह करके दुआ करनी है, फिर देखिए पैसों की बारिश होती अपनी आंखों से देखोगे। इस छोटे से वजीफ़े से मेरी ज़िंदगी बदल गई, पहले लोगों से उधार लेना पड़ता था, आज लोगों में बांट रहा हूँ। अल्लाह वालों ये वसीफ़ा बहुत छोटा है, आपकी झोलियों को भर देगा इन नामों के सदके। अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो ये अमल कर लो, अपने मुकद्दर को बदलना है तो ये अमल कर लो। मेरा रब वहाँ से रिज़क देगा जहाँ से आप गुमान भी नहीं कर सकते। आप कारोबार करते हैं, मिट्टी में हाथ डालोगे सोना बन जाएगी। बहुत ही ख़ास वसीफ़ा आपको बताने जा रहा हूँ, अल्लाह के ये तीन नामों का वसीफ़ा है। सिर्फ 4 से 5 मिनट लगेंगे, आप इस वसीफ़े को मुकम्मल पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह। वसीफ़ा करने की देर है, अल्लाह पाक आपको नवाजना शुरू हो जाएंगे, आपकी नस्लें संवर जाएंगी, आपकी जो भी हाजात हैं, जो भी मुश्किलात हैं, जो भी परेशानियां हैं वो अल्लाह के हजूर पेश कर दें इंशाअल्लाह। नमाज से उठने से पहले पहले आपकी हाजात पूरी हो जाएंगी, मुसल्ला छोड़ने से पहले तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे, हाथ झुकाने से पहले दुआ कबूल हो जाएगी। बेघरों को घर मिल जाएगा, बे औलादों को औलाद मिल जाएगी, इज्जत वालों को इज्जत मिल जाएगी। आप अच्छा रिश्ता चाहते हो, आप मनपसंद नौकरी करना चाहते हो, मनपसंद शादी के लिए पढ़ना चाहते हो, इतवार के दिन का ये खासुल खास वजीफ़ा लाजमी करना। इतवार के दिन को अमूमन लोग लापरवाही में गुजार देते हैं, इस दिन की अहमियत को कोई नहीं जानता। इतवार के दिन पढ़ने वाला जिक्र अस्कार, इतवार के दिन की जाने वाली इबादत, इतवार के दिन किया जाने वाला सदका खैरात इतनी अहमियत रखता है, इतनी फजीलत और बरकत रखता है कि बहुत से अल्लाह वाले आज भी इतवार के दिन सदका दिया करते हैं। आज भी इतवार वाले दिन जिक्र अस्कार से, वज़ाइफ से, अमाल से रब से अपनी हाजात को पूरा करवाया करते हैं। इतवार के दिन हर कोई दुनियादारी में मसरूफ़ होता है, रब से मांगने वाले कम होते हैं, और जो लोग इस ख़ास दिन में दुनियादारी को छोड़कर, अपने तमाम कामों को छोड़कर, दुनिया के रंगों से निकलते हुए अपने दुखों को, अपने गमों को, अपनी परेशानियों मुसीबतों को लेकर रब से मांगता है, मेरा रब बैठे बैठे हर हाजत को पूरा कर देता है। अगर आप ही अपने घर के हालात को बदलना चाहते हैं, अपनी नस्लों को आबाद देखना चाहते हैं, तो इतवार के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़िएगा। अपने घर के अंदर तमाम बीमारियों से निजात के लिए अल्लाह से मांग लें। अल्लाह वालों, आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपको जो वसीफ़ा अच्छी तरह से समझ आ जाए। अगर आप वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आपको अमल का कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहुत से अल्लाह वाले कहते हैं कि वसीफ़ा असर नहीं करता, इसके अलावा कोई भी वसीफ़ा असर नहीं करता। इसकी वजह यही होती है कि अल्लाह के बाबरकत जो नाम होते हैं, जो आयात होती हैं, जो वज़ाइफ आपको बताए जाते हैं, इनकी एक ख़ास तरतीब होती है, ख़ास एहतियात होती है, जिनको पूरा करना लाजमी होता है। तो बिना वक्त ज़ाया किए वसीफ़े की तरफ चलते हैं। हदीस कुदसी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो चीज़
तुझे जन्नत के करीब कर सकती है, इसका मैंने तुझे हुक्म दे दिया है, और जो चीज़ तुझे जहन्नुम के करीब कर सकती है, इससे मैंने तुझे रोक दिया है। यकीनन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मेरे दिल में ये बात डाली है कि कोई भी जान इस वक्त तक ख़त्म नहीं होती, कोई भी इंसान इस वक्त तक इस दुनिया से नहीं जा सकता जब तक कि वो अपनी रोज़ी पूरी ना कर ले और सारा रिज़्क खा ना ले। तो तुम अल्लाह का तकवा इख्तियार करते हुए रोज़ी का हसूल अच्छी तरह करो। तुम में से किसी को रोज़ी का लेट और कम हो जाना इस बात पर ना उबारे कि तुम अल्लाह की नाफरमानी करके रोज़ी हासिल करने लग जाओ। मकसद ये है कि जो आपके नसीब में रिज़्क लिखा है, जो आपके नसीब में कामयाबियां लिखी हैं, वो वक्त मुकर्रा पर आप तक पहुंच जाएंगी। बेशक वजीफ़ों से, कुरानी आयात से, अमाल से, ज़िक्र अज़कार से आसानियां पैदा होती हैं, लेकिन बाज़ुकात इंसान जल्दबाजी में पैसा कमाने के चक्करों में सीधे रास्ते से भटक जाता है और बहुत से गलत गुनाहों में पड़ जाता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि अल्लाह ने हमें सब्र करने का हुक्म दिया है। जब हमें मुश्किलात आती हैं, रिस्क की तंगी होती है, तो हम गिले शिकवे करना शुरू कर देते हैं, फिर हम नाजायज़ कामों में पड़ जाते हैं और हराम और हलाल को भूल जाते हैं। अल्लाह पाक ने इस चीज़ से मना फरमाया है। याद रखें, रिस्क वही अच्छा है, वही फजीलत वाला है, वही इंसान के लिए फ़ायदा मंद है जिसको इस्तेमाल करने से दुनिया भी आसान हो जाए और आखरत भी आसान हो जाए। रिज़्क़ की कमी अल्लाह ताला की तरफ से नहीं बल्कि इंसान के खर्च ना करने की वजह से होती है। अल्लाह पाक सारी मखलूक के लिए इसकी ज़रूरत के मुताबिक पूरे साल का रिज़्क नाजिल फरमा देता है। हमें चाहिए कि अगर हम अपने रिज़्क में बरकत और तरक्की चाहते हैं तो गरीबों में, मस्कीनों में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह पाक का दिया हुआ रिज़्क खर्च किया करें, ताकि अल्लाह पाक हमारे रिज़्क को और बढ़ा दे, मज़ीद बढ़ा दे, जैसा कि अल्लाह पाक ने फरमाया। और जब इनसे कहा जाता है कि जो रिज़्क खुदा ने तुमको दिया है इनमें से खर्च करो, ताकि काफिर मोमिनों से कहते हैं, ये भला हम इन लोगों को क्या खाना खिलाएं जिनको अगर खुदा चाहता तो खुद खिला देता। तो फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम तो साफ साफ गलती पर हो। एक किसान को देख लीजिए, वो एक बोरी बीज की खेत में बोता है और फसल उग जाने पर वो एक बोरी की जगह 70 बोरियां लेकर घर वापस लौटता है, मेहनत करता है। लेकिन अगर वो किसान ये सोचना शुरू कर दे कि मैं ये एक बोरी का बीज खेत में फेंक दूंगा और पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं, तो फिर वो इसके कमज़ोर ईमान की निशानी है। खुदारा आज का जो ख़ास वजीफ़ा आपके हवाले करने जा रहा हूँ, इसकी बरकतें, इसकी फजीलतें देखने वाली हैं। अगर आप में से कोई बंदा कर्ज़दार है, कोई बहन, कोई भाई, कोई बेटा, कोई बुजुर्ग कर्ज़दार है, कर्ज़ की बला से, कर्ज़ के फितने से, कर्ज़ की ज़िल्लत और रसवाई से निकलना चाहता है, तो इतवार के दिन ये दुनियादारी, दोस्त अहबाब रिश्तेदार छोड़ छाड़ कर सिर्फ 2 से 4 मिनट निकाल कर तवज्जो और ध्यान से या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु का ये ख़ास वजीफ़ा लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, ख्वाह वो पैसों की वजह से हैं, ख्वाह वो मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी की वजह से है, ख्वाह वो नाफरमान औलाद की वजह से है, इसके अलावा अगर आपके घर में बेरोज़गारी है, बे औलादी है, लड़ाई झगड़े हैं, 100 तरह के मसाइल हैं, आप इतवार के दिन या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु का ये ख़ास वजीफ़ा लाजमी कीजिएगा। आज मौका है, ये ना हो कि अगला इतवार नसीब हो ना हो, किसको पता। तो फिर क्यों ना इतवार के दिन रब को मना लिया जाए, रब से मांग लिया जाए। जब कोई ख़ास वजीफ़ा किसी ख़ास मकसद के लिए इतवार के दिन पढ़ा जाता है, फिर रब काबा से हाथ उठाकर मांगना नहीं पड़ता। मेरा रब तो दिलों के राज जानता है, वो मांगने से पहले हर हाजत पूरी कर देता है। तो आइए इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले, अगर आप रिसाला वज़ाइफ़ चैनल पर नए हैं और आपने रिसाला वज़ाइफ़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा रिसाला वज़ाइफ़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ़ बरवक्त आप तक पहुँच सकें। इतवार के दिन आप चाहें तो फजर के बाद पढ़ लो, जोहर के बाद पढ़ लो, असर मगरिब इशा के बाद पढ़ लो, पूरा दिन किसी भी वक्त किसी भी जगह पर बैठकर आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं।
ना वक्त की कोई पाबंदी है ना जगह की कोई पाबंदी है, सिर्फ 2 से 4 मिनट का वजीफ़ा है। आप किसी भी इतवार को ये वजीफ़ा कर सकते हैं। बावज़ू मुसल्ले पर बैठ कर सबसे पहले एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपने वजीफ़े का आगाज़ करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, नमाज वाला पढ़ लें बेहतरीन है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको नमाज वाला दरूद पाक आता है। अगर कोई नहीं पढ़ सकता तो आप कोई भी दरूद पाक पढ़ सकते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पढ़ लें। दरूद पाक पढ़ते ही अब आपने अपनी आँखों को बंद कर लेना है, पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु पढ़ना शुरू करना है। अपने मकसद की नीयत कीजिएगा, आप अपना ज़ाती मकान चाहते हैं, किराए के मकान से जान छुड़ाना चाहते हैं, आप मनपसंद नौकरी मनपसंद शादी चाहते हैं, आप कारोबार में तरक्की चाहते हैं, नज़र बद और हसद का इलाज चाहते हैं, आप रब की हिफाजत में जाना चाहते हैं, ज़िंदगी के हर मकसद में कामयाबी और गैबी खजानों से मदद चाहते हैं, तो आपने या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु पढ़ते दौरान अपने मकसद की नीयत लाजमी करनी है। मकसद को जहन में रखते हुए रब के 3 नाम या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु पढ़ने हैं। या रहमानु से मेरा रब रहमतें फरमाता है, या रहीमु से मेरा रब रहम फरमाता है, और या अल्लाहु रब काबा का ज़ाती नाम है। या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया, या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया, या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु को हाथ की उंगलियों पर 121 बार पढ़ना है। अगर तो आप 121 बार पढ़ सकते हो तो बेहतरीन, नहीं तो आप तस्बीह का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु को 121 बार पढ़ना है। इस दौरान किसी से बात नहीं करनी। वजीफे का तरीका गौर से सुनिएगा। 3 बातों पर अमल करना ज़रूरी है, ना तो किसी से बात करनी है ना कोई आपसे बात करेगा। दूसरा, या अल्लाहु या रहमानु पढ़ते दौरान जिस हाजत को जहन में रखोगे वो पूरी हो जाएगी। ये इतवार के दिन का शर्ती अमल है, इसलिए डूब कर तवज्जो और ध्यान से मकसद को जहन में रखते हुए वसीफ़ा पढ़ना है। तीसरा, ये वसीफ़ा मुकम्मल होते ही आपने रब काबा से अपने गुनाहों की सच्ची तोबा करनी है, ये ना हो कि गुनाहों की पकड़ से वसीफ़ा ज़ाया हो जाए। जब 121 बार या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु बताए गए तरीके से बताई गई तरतीब से इतवार के दिन ये वसीफ़ा मुकम्मल हो जाए तो आखिर में उतना ही दरूद पाक लाजमी पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। फिर दोनों हाथ उठाकर रब काबा से तोबा कीजिए कि मौला करीम, किसी गुनाह की पकड़ में हूँ, किसी की दिल आज़ारी की है, किसी के साथ बुरा भला किया है, मेरे तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों को बख्श दे, फिर रब से जो मांगोगे मिलता चला जाए। इतवार के पूरी दिन पूरा रात जब चाहो आप ये वसीफ़ा जिस वक्त चाहो कर सकते हो, लापरवाही मत करना। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि रब के इन नामों की फजीलत व बरकत से आपके रास्ते में गैबी खजानों से मदद हो जाती है, आने वाली रिकावटें बंदिशें ख़त्म हो जाती हैं। मुझे अपनी नेक दुआओं और तमन्नाओं में ज़रूर याद रखिएगा।